प्रॉब्लम भी आने वाला है वो मैं आपको भी बताऊंगा हेलो गाइस कैसे हैं आप सब होप बहुत ही बढ़िया होंगे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ मेरे पहले के बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखे हैं कि मैंने अपनी हिमालयन फोर में बहुत सारे एक्सेसरीज़ इंस्टॉल किए है जिसमें शंप गार्ड क्रैश गार्ड और बहुत सारी चीज़ें जितनी आप देख पा रहे हो सैडल स्टे टॉप रेक बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल की हैं उसी के क्रम में मैं आज अपने बाइक में इंस्टॉल करने जा रहा हूं नकल गार्ड हैंड गार्ड तो वीडियो शुरू करते हैं और आपको नकल गार्ड आज कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में बताते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले एक हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि फर्स्ट सर्विस मेरी बाइक का हो चुका है अब आने वाली वीडियोज़ जो आएंगी बहुत ही जबरदस्त और रोचक होने वाली है जिसमें लॉन्ग राइड रिव्यू स्पीड टेस्ट माइलेज टेस्ट और ना जाने क्या क्या बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत के सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए आज के मेन के कंटेंट पे आते हैं तो ये मैंने मंगाया है मोटोजीनियस की तरफ से नकल गार्ड हैंड गार्ड तो ये मंगाने का कारण क्या था कि मैंने जब रिसर्च कर रहा था कि कौन सी कौन सा नकल गार्ड लगाऊंगा तो जिसमें मेरे पास तीन ऑप्शन थे जिसमें पहला था ये आरी का जो नॉर्मल पहले वाला जो आता है जो इधर से ही सिर्फ लगा रहता है और इधर कोई सपोर्ट होता नहीं है वो वाला तो वो मेरे को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कभी अच्छा लगा नहीं आ, बढ़िया है उसकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ लेकिन वो कभी मुझे बहुत ख़ास कुछ पसंद आया नहीं दूसरा था मेरा ब्रेक बस्टर का ब्रेक बस्टर वाला भी क्या होता है ना हम तो ओरिजिनल दस बारह हज़ार वाला तो लगाने वाले हैं नहीं कॉपी वाला ही लगाएंगे पंद्रह सौ दो हज़ार वाला ही लगाएंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे को लगेगा कि वेस्ट ऑफ मनी मैंने कर दिया तो वो उसको मैंने छोड़ दिया उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं लग रही थी और तीसरा मैंने इसको इसके बारे में जब बहुत रिसर्च किया बहुत अच्छे से देखा तो ये मोटो जीनियस का जो है नकल गार्ड ये मेरे को बहुत पसंद आया लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम आ रहा था कि इसको मैंने किसी बाइक में लगा हुआ देखा नहीं था तो मैंने मैं सोच रहा था कि अगर मैं मंगा लूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि इसकी दूरी कम हो जिसके वजह से क्या है कि क्लच का लीवर वगैरह जो है इसके बॉडी से इसके फाइबर पार्ट से वो सटे और तो ये डाउट मेरे मन में था लेकिन ये डाउट रहते हुए भी मैंने किसी ना किसी तरह से हिम्मत करके मंगा लिया तो पहले दिखा देते हैं आपको कि इस बॉक्स में आता क्या क्या है ये बॉक्स है और मैंने ऑलरेडी एक इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए बहुत कुछ इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसके अंदर होता क्या क्या है सबसे तो पहले तो ये बता देते हैं ये अलग से एक पार्ट है जो इस वाले में इस तरह से लगा हुआ रहता है एक इसमें लगा रहता है एक इसमें लगा रहता है तो एक यहाँ है और एक मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ है उसमें है दूसरा ये पार्ट रहता है एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए दोनों अलग अलग शेप है ऐसा नहीं है कि आप इसको उधर लगा सकते हो उसको उधर लगा सकते हो जो जिधर लगेगा उधर लगेगा साथ में बहुत सारे स्क्रूज आ जाते हैं एक दो तीन तीन इसमें लग गए फिर एक्स्ट्रा बोल्ट भी आते हैं जिसमें बोल्ट में आपको दिखाना चाहूँगा ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि बोल्ट में ये आप देखें सामने लेके आइएगा क्या बोल्ट में देखें ये आप देखिए ये बड़े बड़े दो दिख रहे हैं और ये छोटा दिख रहा है एक तो जब हम पुराने वाले में से इसको निकालते हैं तो ये कंपनी का जो फिटिंग किया हुआ रहता है पहले से वो ये वाला है तो इसको जब आप लगाएंगे तो ये छोटी पड़ जाती है इसके लिए ऑप्शन में ये मोटोजीनियस ने ये एक दिया है स्क्रू जो थोड़ी बड़ी है इससे तो क्या होता है कि ये उसकी जगह पे फिट हो जाता है तो ये दो आते हैं और ये दो मोटे मोटे आते हैं जिस आ, ऐसा नहीं है कि इसको आप सिर्फ इसमें ही इंस्टॉल कर सकते हैं आप हर बाइक में ये मतलब कॉमन किसी बाइक में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं तो हर किसी के लिए इसमें जुगाड़ दिया हुआ है ये सब वो जुगाड़ है हाँ और साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये क्लच जो है एक इससे फाइबर बॉडी से टच ना करने लगे तो उसके लिए भी इन्होंने ये दो जुगाड़ दिया है ये वो बहुत हाई थिकनेस है इसका मेरे ख़्याल से आठ दस एम तो होगा ही तो इसको भी आप यहाँ पर ऐड करके इधर आके दिखा दीजिए इसको भी ऐड करके ये आगे करके और इसमें स्क्रूज एक्स्ट्रा दिए हुए हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन मेरे को ज़रूरत पड़ी नहीं तो ये दो हो गए इसके साथ ये दो क्लैम्प और आते हैं इसमें क्या है इसमें देख रहे हो गए कि इसमें एक मोटा होल है और इसमें पतला होल है तो ये मोटा होल देने का कारण क्या है कि जब आप इसमें सपोर्ट देंगे तो सपोर्ट देने के लिए आपको इसको जब मिरर को खोलेंगे तो इसके नीचे ये फिट हो जाएगा और फिर इस एरिया में जो है आप स्क्रू लगा सकते हैं तो ये मैंने नहीं यूज़ किया इसके अलावा भी अब आपको मेन चीज़ दिखाते हैं इस पर आपको ध्यान देना है ये दो क्लैम्प्स देख रहे हैं मतलब एक और ये दूसरे को इसमें मैंने जोड़ा हुआ है और ये दो इसी तरह से दो इधर है तो ये चार क्लैम्पस भी आपको मिलेंगे जिसमें इधर साइड में दोनों में मोटा मोटा होल रहेगा बड़े होल रहेंगे ताकि ये उसमें मिरर फिट हो पाए तो इसको ही यूज़ करना क्योंकि इसमें जब आप ये सिंपल वाली जब यूज़ करेंगे ना ये वाली तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि आप फिट तो करेंगे लेकिन इसमें जो ये आपका ऑयल कंटेनर वगैरह जो है आगे का डिस्क ब्रेक का इसमें ना टच करता है वो और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह का शेप दिया हुआ है कि ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है तो आप अगर इस बाइक में इंस्टॉल करोगे तो ये सब वेस्ट ऑफ वेस्ट है आपके लिए आपको काम आने वाला है ये दो ही तो आइए चलिए फ़िट करते हैं आपको दिखाते हैं तो पहले मैंने ये इसको फिट कर लिया एलुमिनियम पार्ट को एलमुनियम क्वालिटी है ये क्वालिटी की बात कर लेते हैं ये क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है कोई रॉकेट साइंस है नहीं एक दो तीन इसको आपको फिट कर लेना है और ये दो पार्ट है इन दोनों को कनेक्ट कर लेना है सामने ला दिखाइए इन दोनों को कनेक्ट कर लेना है इसको थोड़ा लूज रखना पहले ताकि ये तो मेरा अभी फिक्स है इसीलिए मैंने इसको लूज़ किया नहीं है इन दोनों को कनेक्ट कर देना है इसको यहाँ से खोल के निकाल लेना है इस तरह से ये मैंने इसको खोल दिया ये दोनों स्क्रूज जो है इसको मैं अच्छे से रख ले रहा हूँ इन फ्यूचर मुझे काम आने वाला है और ये कंपनी जो साथ में कंपनी ने दिया है उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ सिंपली इसको यहाँ पे रखेंगे ये अंदर ही रहेगा और इसको आप इस तरह से फिक्स कर लेंगे अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है एक प्रॉब्लम भी आने वाला है वो मैं आपको भी बताऊंगा तो वीडियो पे बने रहना और इसको थोड़ा सा पहले मैं फ़िक्स कर लेता हूँ एल से आपको फिक्स करना पड़ेगा और इसका जो सिस्टम भी दिया है तो बहुत अच्छा दिया है कि ये नट का जो हेड है वो अंदर चला जाएगा तो आपकी खूबसूरती में कोई दिक्कत नहीं आएगी ये ऊपर चला गया है उसको पहले मैं फिक्स कर लूँ क्या होता है ना कि YouTube में वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइमिंग का प्रेशर रहता है समझ रहे हो होगा कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना बने छोटी वीडियो में ही आपको भरपूर इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो तो भाई कर लेना काफ़ी मेहनत लगता है एक छोटी छोटी वीडियो बनाने में भी इसको मैं फिक्स... <laughs> देख रहे हो कितनी दिक्कत होती है एक आदमी से लेकिन फिर भी मैं करके ही रहूँगा क्योंकि मैं हिम्मत हारने वालों में से हूं नहीं तो इसको बस ऐसे करके फिक्स कर लेंगे अब ये मोटा मोटी फिक्स हो गया और इसमें अब बता दूं कि ये इस तरह से छोटे छोटे और भी बोल्ट्स आपको आठ दस जो हैं मिल जाते हैं मतलब भरपूर मात्रा में बोल्ट्स रहते हैं तो एक छोटा वाला जो है इसको यहां पे फिक्स करेंगे ये ऑटोमेटिकली होल जो है यहाँ पे वो मैच कर जाएगा इसके साथ और मैंने इसको जो ढीला रखने बोला था वो इसलिए रखा था, बोला था क्योंकि ये होल को मैच करने में जो है थोड़ी दिक्कत आती है ये तो मेरा ऑलरेडी पहले से मैच्ड है इसीलिए <coughs> मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो उसको लूज़ रखना थोड़ा ताकि मैच हो पाए ये हो गया अब मैं इसको फटाफट टाइट कर लेता हूँ और फिर प्रॉब्लम के बारे में आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आने वाली है तो ये मैंने फिक्स कर दिया आप देख रहे हो कितना स्टेबल है कितना बढ़िया है एकदम आपको फील होगा कि मतलब आप बिल्कुल सेफ हो अब आते हैं प्रॉब्लम पे देखो आपको ये ब्रेक वाला साइड जो है यहाँ इसको फिक्स करने में भाई साहब कोई परेशानी नहीं होगी आप जैसे चाहोगे वैसे आप फिक्स कर लोगे प्रॉब्लम आएगी आपको इस क्लच वाले में क्लच वाले में क्या प्रॉब्लम आएगी कि आप किसी भी तरह से एडजस्ट करोगे ना आप चाहोगे कि अगर इस लीवर को ऊपर करें और इसको अगर खोल करके ढीला करके ऊपर कर लें तो आपका क्या है मिरर का पोजीशन चेंज हो जाएगा फिर आप अगर अगर आप नीचे कर लोगे तो इधर टच होने लग जाएगा तो यहां पर आपको क्या करना है आप सिंपली इसको ढीला करना इसको फिक्स करने से पहले और मिरर लगा के आप एग्जैक्ट बना लेना कि आपको कितने में देखने में दिक्कत नहीं हो रही है बहुत ज्यादा आपको उसमें गुंजाइश नहीं रखना होगा एग्जैक्ट उस जगह पे सेट करना और उसके हिसाब से इसको पहले आप फिक्स करके टाइट कर लेना और आपको हिलाना नहीं है अब उतने पे ही आपको इसको सेट करना है इधर दिक्कत नहीं होती भाई साहब क्योंकि ये बिल्कुल अलग पार्ट है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन इसमें होती है दिक्कत क्योंकि और ये देखो आप नजदीक आइए थोड़ा तो सा नज़दीक दिखाइए ये देखिए यहाँ पर ना एकदम लगता है ना कि बस ये मैंने क्लच के जो का लीवर जो है यहाँ पर टच कर जाएगा तो ये आपको बहुत ध्यान देना होगा कि एकदम बिल्कुल क्लोज रखें ताकि ये क्लच का लीवर भी इसमें सटे भी ना और आपको किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो क्योंकि अगर क्लच इसमें थोड़ा सा दबा हुआ रह जाएगा तो भाई क्लच प्लेट तो फूक ही सकता है ना प्लस से आपको पिकअप में भी प्रॉब्लम आएगी तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ये हो जाता है आपके सामने प्रूफ है कि ये देखिए मेरा लीवर पूरा बिल्कुल मैं अंदर भी दबा रहा हूँ फिर भी ये अंदर सट नहीं रहा है थोड़ा सा दस पाँच एम का गैप तो इसमें है और पकड़ने में कोई दिक्कत होती नहीं है और अगर इसके प्राइस की बात कर लेते हैं तो इसका प्राइस मुझे पड़ा है 1900 प्लस 180 का इसका डिलीवरी चार्ज है अगर आप आरी का ओरिजिनल वाला वो लेते तो वो भी तीन साढ़े तीन हज़ार के आसपास का आता है और बार्क बस्टर वाला भी लेता तो मैं 2000 का लेता ही लेता तो और बाकी इसके ये इसको कैसे आपको खरीदना है वो सब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो वहाँ से जा कर के आप डायरेक्टली भी परचेज़ कर सकते हैं तो आज का वीडियो एंड करते हैं बस यही एक छोटा सा वीडियो था क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो हैं नकल गार्ड के बारे में काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं तो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपको बताना चाहिए तो चलिए वीडियो एंड करते हैं मिलते हैं किसी अगली वीडियो में मेरी हिमालयन 450 के साथ तब तक के लिए बाय